मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ अशोक गहलोत साहब, उनमें खुद में हिम्मत और सामर्थ्य है तो खुद आ जाए और खुद डिबेट कर जहां उनको उपयुक्त लगे, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, बांबारा में, दौसा में, अलवर में, भरतपुर में या जयपुर, और जयपुर में भी अल्बर्ट हॉल के सामने, कि विधानसभा के सामने, कि सचिवालय के सामने, कि मुख्यमंत्री आवास के सामने एक मंच लगा रहे, लोगों को बुलाकर उसके सामने मुझसे डिबेट करने कि राजस्थान की हित की बात मैं कर रहा हूँ या राजस्थान का अहित करने का पाप और राजनीति का षड्यंत्र अशोक गहलोत कर रहे हैं। मैंने सूचना, मुझे पहले भी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई थी कि आपको काले झंडे दिखाएंगे, मैंने तो सूचना भिजवाई थी रामकेश जी को भी, क्या आप काले झंडे बेशक दिखाइए, आपका अधिकार है, लेकिन साहस के साथ में आकर के एक बार बैठिए। और मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ अशोक गहलोत साहब को, उनमें खुद में हिम्मत और सामर्थ्य है तो खुद आ जाए और खुद डिबेट करें, पर मुझे लगता है कि शायद नहीं कर पाएंगे। अपने सबसे काबिल मंत्री को भी साथ ले आए और अपने सबसे काबिल दो तीन सचिवों को भी साथ लेकर के आ जाए जयपुर में, जहां उनको उपयुक्त लगे, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, बांबारा में, दौसा में, अलवर में, भरतपुर में या जयपुर में, और जयपुर में भी अल्बर्ट हॉल के सामने, कि विधानसभा के सामने, कि सचिवालय के सामने, कि मुख्यमंत्री आवास के सामने एक मंच लगा लें, राजस्थान भर के सारे विषय विशेषज्ञों को बुला लें, राजस्थान भर के सारे पत्रकारों को बुला लें और लोगों को बुला लें और उसके सामने मुझसे डिबेट कर लें कि राजस्थान के हित की बात मैं कर रहा हूं या राजस्थान का अहित करने का पाप और राजनीति का षड्यंत्र अशोक गहलोत कर रहा है। तो 40,000 करोड़ की परियोजना में 7% भारत सरकार देती है, राजस्थान को मात्र 15-16,000 करोड़ खर्च कर 1750 MCM पानी मिलता है, 10-13 जिलों को पीने का पानी मिलता है, 2,00,000 एकड़ की सिंचाई की भी सस्टेनेबिलिटी आती है, वो करने के बजाय 15-16,000 करोड़ खर्च करके 521 MCM की योजना बना करके 3 शहरों को पानी दे रहे हैं, ये इन 10 जिलों के नागरिकों के विरुद्ध पाप है कि नहीं? और उससे आगे बढ़कर उसमें भी राजनीति की गई, नाम ERCP है, बन कुछ और है, और वो जो बनाने की चेष्टा हो रही है उसमें भी उसका टेक्निकल अप्रेजल अभी तक नहीं हुआ, उसका टेक्निकल अप्रेजल होने के बाद में कोई भी प्रक्रिया जो बांध बनाने की है पहले टेक्निकली अप्रेजल होता है कि तकनीकी रूप से प्रोजेक्ट सही है कि नहीं, उसके बाद में उसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस होती है कि लागत और उसका जो लाभ होगा उन दोनों कॉस्ट और बेनिफिट का रेशियो ठीक है कि नहीं, उसका भी अप्रेजल नहीं हुआ अभी तक, अप्रूवल नहीं हुई। उसके बाद में एनवायरमेंट क्लियरेंस आती है, आप छोटी सी खान भी अगर यहां खोदते हैं शुरू करते हैं तो एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ती है, इतना बड़ा बांध बन रहा है सबके लिए मैंडेटरी, वो भी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं, कोई आदमी अगर बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के यहां अगर खान चलाना शुरू करेगा उसको जेल भेज देंगे, सरकार इलीगल काम कर रही है। और चौथी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लेनी होती है और पांचवी ट्राइबल एरिया क्लियरेंस लेनी होती है, पांचों नहीं, और इलीगली प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, मध्य प्रदेश ने नोटिस दिया और सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर दिया जिस पर किसी भी समय स्टे हो सकता है। अब 15,000 करोड़ की इस परियोजना के पैसा कहां से आए, तो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, कॉरपोरेशन बनाएंगे, इरीगेशन की सारी प्रॉपर्टी बेचेंगे और प्रॉपर्टी बेच करके पैसा इकट्ठा करके ये प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कभी बनने वाला नहीं, प्रॉपर्टी बिकेगी, ये बांध बनाने के बजाय प्रॉपर्टी बेच करके अपनी जेबें भरने का षड्यंत्र मात्र है, क्योंकि ये जानते हैं कि बिना क्लियरेंस के प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, प्रॉपर्टीज बेचेंगे, उसका पैसा भ्रष्टाचार से अपनी जेब में डालेंगे और इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाएगा, उस दिन इसको बाय बाय कर। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित नदी जोड़ने की परियोजना जिसमें पुरानी PKC पार्वती कालीसिंध चंबल पर का इंटरलिंकेज और ERCP इन दोनों को समन्वित करके जो परियोजना बनाई गई उससे राजस्थान को लगभग 2,500 MCM गारंटेड वाटर मिलने वाला है, और क्योंकि उसकी लागत 40,000 करोड़ अनुमानित का 90% नदी जोड़ने का प्रकल्प होने के नाते भारत सरकार वहन करने वाली, और दो राज्यों के बीच परियोजना के काम चलते हुए दोनों राज्यों के हिस्से में कुल मिलाकर 4,000 करोड़ रूपये का खर्च आने वाला है, जिसमें से भी जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर है वो माइनस होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में मेरा प्रश्न आपके माध्यम से यह है कि 2,500 MCM पानी जो मिलने वाला है जिससे सिंचाई भी होगी, जिससे पेयजल की सुरक्षा और गारंटी अगले 30-40 साल तक की इस पूरे 13 जिलों को मिलेगी, लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की गारंटी मिलेगी, ये गारंटी कार्ड बांटने वाली सरकार मुझे ये बताए कि आप 15,000 करोड़ राज्य के खर्च करके और 500 MCM पानी ला करके केवल जयपुर, अजमेर और टोंक शहर को पानी देकर के इन 10 जिलों के किसानों के सूखे खेत और प्यासे कंठों के साथ में राजनीति क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री
उनके सारे सिपहसालार और उनके सारे विधायक जो इस ईआरसीपी को लेकर के झंडा दिखाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप राजस्थान के हितों के ऊपर ये अंधेरा बादल क्यों छाना चाहते हैं?